इस मूवी में एलन नाम के राजा की कहानी दिखाई गई है, जो एक महिला को मार देने के कारण काफी उदास और गुमसुम रहने लगा, जिस कारण उसका मंत्री आमिन उसकी शादी एक लड़की से करवाता है ताकि राजा की उदासी दूर हो सके। इसी सिलसिले में वो लड़की एलन को कुछ कहानियां सुनाती है, जिन कहानियों को इस मूवी में दिखाया गया है। तो वो कहानियां क्या है हमें आगे पता चलेगा, पर एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल चल पाएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें एक जिन दिखाया जाता है जो किसी महिला का डांस एंजॉय कर रहा था। फिर कुछ देर तक डांस एंजॉय करने के बाद वो अपने चिराग में जाकर सो जाता है, जबकि वो महिला भी अपने घर चली जाती है। अब अगले सीन में हम एलन नाम के शख्स को देखते हैं, जो असल में बगदाद का राजा था और वो उस महिला से बहुत प्यार करता था जो कुछ देर पहले जिनके सामने डांस कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो महिला भी एलन से काफी ज्यादा प्यार किया करती है, और वो जिन को भी नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि ये जिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। और इसी बात से तंग आकर एलन आज उस महिला से फैसला लेने को कहता है कि आखिर वो किसके साथ रहना चाहती है, जिस पर उस महिला का जवाब होता है कि वो ना तो जिन को छोड़ना चाहती है और ना ही एलन को, जो सुनकर एलन खुद ही उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तब वो महिला एलन को धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उस जिन को तुम्हारे बारे में बता दूंगी, जिससे वो तुम्हें मार देगा। अब उस महिला की धमकी सुनकर एलन समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो थक हार कर उस महिला का गला दबाकर उसे ही जान से मार देता है। फिर हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलन ने जब से उस महिला को मारा था तब से उसकी तबीयत खराब चलने लगी थी। वो ना तो ठीक से सो पा रहा था और ना ही किसी काम से उसका मन लग रहा था। अब ये सब एलन के मंत्रियों से देखा नहीं जाता, इसलिए उसका सबसे खास मंत्री नेम आमिन उसे ठीक करने के लिए उसका मनोरंजन का बंदोबस्त भी करता है, पर कोई भी एलन को ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर एलन को कौन सी बीमारी है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आकर आमिन को बताता है कि एलन का मन किसी काम में नहीं लग रहा, जिस कारण वो बीमार रहने लगा है, इसलिए यदि उसकी शादी कर दी जाए तो उसका मन लगा रहेगा, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए अब आमिन पूरे बगदाद शहर में एलन के लिए पत्नी की खोज शुरू कर देता है। दरअसल आमिन ये चाहता था कि एलन की शादी किसी ऐसे स्त्री से हो जाए जो एलन का ख्याल रखने के साथ साथ इस राज्य का भी ख्याल रख सके। अब काफी ढूंढने के बाद आखिरकार आमिर की खोज खत्म होती है, क्योंकि उसको अपने दोस्त की बेटी एलन के लिए ठीक लगती है। इसलिए वो अपने दोस्त से इस बारे में पूछता है, लेकिन उसका दोस्त अपनी बेटी की शादी एलन से नहीं करना चाहता था, पर काफी समझाने के बाद वो एलन से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद एलन और अमीन की दोस्त की बेटी ने शहरजादी से शादी कर दी जाती है, लेकिन एलन की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं आता। तब आमिन के कहने पर शहरजादी एलन से बात करके उसका ध्यान अपने तरफ करने की कोशिश करती है, जहां बातों ही बातों में शहरजादी को उस महिला के बारे में पता चल जाता है जिसे एलन ने मारा था, जिस पर वो एलन को उसका पास भूलकर एक नई शुरुआत करने को कहती है। और इसी क्रम में वो एलन का मन हल्का करने के लिए अली बाबा और 40 चोरों की कहानी भी सुनाना शुरू कर देती है। कहानी में हमें अली बाबा और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो काफी गरीब होने के कारण बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अली बाबा के पास एक ऊंट होता है जिसे वो हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे, जबकि दूसरी तरफ हमें उन 40 चोरों को दिखाया जाता है जिनका सरदार बड़ा ही निर्दयी आदमी था, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ जिस गांव या शख्स को लूटते थे वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया करते थे, जिस वजह से इनका खौफ पूरे राज्य में फैल चुका था। वहीं ये 40 चोर अपने लूट के सामान को दो पहाड़ों के बीच बनी हुई एक गुफा में छिपाया करते थे, जो एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता था, लेकिन इस खास मंत्र के अलावा उसमें इंसान खाने वाले दो अजीब से जीव रहा करते थे, और जब तक उन्हें कुछ खाने को ना मिले तब तक वो किसी भी शख्स को गुफा के अंदर नहीं जाने देते। फिर एक दिन जब अली बाबा उसी जगह के पास घूम रहा होता है कि तभी उसे काफी सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूरी आवाज उन्हीं 40 चोरों के घोड़ों की है, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर उन चोरों के अलावा आखिर कौन ही आएगा। इसके बाद अब वो एक पत्थर के पीछे अपने ऊंट के साथ छुपकर सब कुछ देखने लगता है। तब कुछ ही देर में चोरों का सरदार वहां कर एक खास तरह का मंत्र बोलता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर से दो अजीब दिखने वाले जीव भी निकलते हैं, जिन्हें सरदार मांस देकर अपने साथियों के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ वो लोग लूट का सारा सामान रखकर वहां से चले जाते हैं,
और फिर जब काफी समय बीत जाता है तो अली बाबा खुद उस गुफा के सामने जाकर सरदार के मंत्र को दोहराता है, जिससे गुफा का दरवाजा खुल जाता है, जो देखकर वो काफी खुश होता है। पर तभी उसमें से वही जीव निकलकर अली बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन अली बाबा के पास कोई मांस नहीं था, इसलिए उन्हें ड्राई फ्रूट जाने के सूखे मेवे खाने को देता है, जिसे खाकर वो जीव अली बाबा को अंदर जाने देते, जहां अंदर का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि अंदर चारों तरफ सोने और चांदी से बने गहने और सिक्के पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ सिक्कों और गहनों को अपने बैग में डालकर वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब घर आकर वो सारी बात अपने भाई को बताता है, जो सुनकर उसका भाई तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है, ताकि वो उन चोरों के खजाने को लूट सके। वो अब अली बाबा के द्वारा बताए गए मंत्रों को बोलकर और गुफा में रहने वाले जीवों को सूखे मेवे खिलाकर अंदर प्रवेश कर जाता है, जहां वो अपने बैग में खजाने को भर ही रहा था कि तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां सरदार और उसके साथी आते, जो उसको देखते उसे जान से मारकर एक पेड़ और उसकी लाश को टांग कर वहां से चले जाते। इधर दो दिन बीत जाने के बाद जब अली बाबा का भाई अपने घर नहीं लौटता तो उसको अपने भाई की फिक्र होने लगती है, इसलिए उसे देखने के लिए गुफा के पास जाता है, जहां उसको अपने भाई की लाश मिलती है, जिसे लेकर वो अपने घर चला आता है। फिर वो उन्हीं लूटे हुए पैसों से उसका अंतिम संस्कार करके वापस से गुफा में जाकर सारे पैसे और कीमती चीजें लेकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर शहर चला जाता है, जहां उसने लूट के पैसों से घर खरीद लिया था और साथ ही साथ उसने शादी भी कर ली थी। अब शहर में अली बाबा ने अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सरदार को यह पता चलने पर कि कोई उसका लूटा हुआ सामान चुरा रहा है, तो वो उस शख्स की तलाश शुरू कर देता है, जी सब में उसे अली बाबा के बारे में पता चल जाता है, जो शहर में हाल ही में आया है, जो काफी सारा पैसा लोगों में बांट भी दिया करता है। अब ये सुनकर सरदार अली बाबा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है, और फिर आखिर में उसे पता चल ही जाता है कि अली बाबा ने उसके गुफा से खजाने को चुराया था। इसलिए अब सरदार और अली बाबा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अली बाबा किसी तरह से सरदार को मारने में कामयाब हो जाता है, और फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी को सुनकर एलन को और भी कहानियां सुनने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वो शहरजादी से दूसरी कहानी सुनाने को कहता है, पर शहरजादी मना कर देती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। पर अब रात में जब दोनों सो रहे होते तो एलन को उसके भाई का बुरा सपना आता है। दरअसल एलन के भाई कोबरा ने नशे और गुस्से के चलते एलन के माता पिता और भी कई लोगों की जान ले ली थी, और ये घटना एलन को काफी समय से परेशान कर रही थी। अब दूसरे दिन जब शहरजादी को ये बात पता चलती है तो वो आमिन से कहकर अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा देती है। फिर एलन का मूड ठीक करने के लिए उसे अलादीन की कहानी सुनाना शुरू करती है, जिस कहानी की शुरुआत में हमें अलादीन दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहां से राजकुमारी जैस्मिन का काफिला निकलता है, जो किसी कारणवश बाजार में फंस जाता है। वहां अलादीन की नजर जैस्मिन पर पड़ती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अलादीन की मुलाकात मुस्तफा नाम के एक आदमी से होती है, जो काफी अच्छा जादूगर था। मुस्तफा, जिसने अलादीन को लड़ते हुए देखा था, उसे कुछ पैसे देकर एक काम करने के लिए कहता है, जिस पर अलादीन मुस्तफा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अब मुस्तफा अलादीन को लेकर एक नदी के किनारे जाता है, जहाँ वे खास तरह का मंत्र बोलते ही नदी के अंदर बनी एक गुफा खुल जाती है। यहाँ मुस्तफा अलादीन को समझाता है कि उसे इसके अंदर रखा हुआ चिराग लेकर आना है, और यदि वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। वो अब अलादीन को गुफा में जाने से पहले एक अंगूठी भी देते हुए बताता है कि इसमें एक जीन है, जिसकी शक्तियाँ काफी कम है और इसे केवल 3 बार ही प्रयोग किया जा सकता है। जिस अंगूठी को लेकर अब अलादीन गुफा में प्रवेश करके उस चिराग को ढूंढने लगता है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे वो चिराग मिल भी जाता है। वो अब उस चिराग को लेकर गुफा से बाहर आ ही रहा था कि तभी उसे मुस्तफा की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि वो इस चिराग की मदद से पूरी दुनिया पर काबू पाना चाहता है, जो जानकर अब अलादीन मुस्तफा को चिराग देने से मना कर देता है, जो अब इस बात से गुस्सा होकर उस गुफा का दरवाजा ही हमेशा के लिए बंद कर देता है, जिससे अलादीन अंदर ही फंस कर रह जाता है। तभी उसे चमकता है कि उसके पास मुस्तफा की अंगूठी है, जिसमें मौजूद जिन अलादीन को गुफा से निकालकर उसके घर पहुंचा देता है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, जहां फिर एक दिन गलती से अलादीन उस चिराग को घीस देता है, जो करते ही उसमें से एक विशाल का जिन बाहर निकल आता है, और इस विशाल का जिन की वजह से अलादीन का घर पूरी तरह से टूटकर बर्बाद हो जाता है। फिर वो जिन अलादीन से 3 विशेष मांगने को कहता है। तब पहले तो अलादीन बहुत सारा पैसा मांगता है, और दूसरे विश में वो एक बड़ा सा घर मांगता है, जिस पर अब जिन उसकी दोनों विशेष पूरी कर देता है।
वहीं अब उसकी विश पूरी होने के कारण अल्लादीन के पास इतना पैसा हो गया था कि वो जैस्मिन से शादी कर सके, इसलिए वो जैस्मिन के पिता से जैस्मिन का हाथ मांगता है। लेकिन जैस्मिन के पिता अल्लादीन का घर देखना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें घर ले जाता है, जो देखकर जैस्मिन के पिता हैरान हो जाते है क्योंकि अल्लादीन का घर उनके महल से भी बड़ा होता है। इसके बाद अब वो अपनी बेटी की शादी अल्लादीन से करा देते है और ये बात मुस्तफा को भी पता चल जाती है, इसलिए वो चुपके से अल्लादीन के घर में घुसकर उसका चिराग चुरा लेता है। और क्योंकि अब अल्लादीन के पास उसका चिराग नहीं था, इसलिए उसकी सारी विशेष खत्म हो जाती है, यानी कि उसका घर और पैसा सब कुछ गायब हो जाता है। शहरजादी अब अपनी कहानी में आगे बताती है कि आखिर में अल्लादीन और मुस्तफा आपस में चिराग के लिए लड़ने लगते है, जहाँ अल्लादीन बड़े ही चालाकी से उस चिराग को मुस्तफा से छीन कर मुस्तफा को जीन की मदद से मरवा देता है। और फिर इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आप सीन शिफ्ट होकर कोबरा की तरफ मुड़ती है, जिसने एलन के महल पर हमला कर दिया था, और इस महल में अब एलन और कोबरा आमने सामने होते है। यहाँ एलन कोबरा से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस पर पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन कोबरा काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एलन पर भारी पड़ने लगता है। वो अभी इस लड़ाई में एलन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से शहरजादी आकर कोबरा के सिर पर एक जोर का वार करती है, जिससे कोबरा बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अब कोबरा को जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि अब एलन भी पूरी तरह से ठीक होकर अपने राज्य को वापस से संभालने लगता है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।